हे गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। दिस इज सिड एंड यू नो मी एज वेल गाइस। सो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ गाइस, एंड अभी थोड़ा आपको अपडेट दे देता हूँ थोड़ा दुबई के बारे में। जो जो लोग आ रहे हैं जिनको थोड़ा नहीं आइडिया है, तो सबसे पहले कुछ खबरी की बात ये है कि नए साल में शायद सब लोग का सैलरी भड़के आएगा। न्यूज़ में तो यही है, अगर आपको नहीं यकीन है तो आप चेक कर सकते हो दुबई का सैलरी के बारे में। तो अभी सैलरी बढ़ेगा, जिनका पहले कम था कैसा था वो थोड़ा अभी बढ़ के आएगा सैलरी। एंड बाकी जो लोग अभी जो लोग दुबई में, उनका 2.5 दिन 1.5 दिन मतलब 2.5 दिन का छुट्टी है, वो शायद मैंने आपको बताया होगा। एंड काफ़ी कुछ लेबर लॉ में चेंजेस हुआ है, एंड आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन क्या चेंजेस है, किसका क्या सीन है क्या नहीं है। एंड मैं बस थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि सैलरी के बारे में, सैलरी बढ़ेगा अब ये पता नहीं 10% कितना बढ़ेगा ये कुछ आइडिया नहीं है। थोड़ा पढ़ा था मैंने, ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बट आपको बस इतना हो बता देता हूँ कि आपका सैलरी बढ़ेगा इस साल। एंड प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में बता रखा है, तो आई होप कि थोड़ा अभी आएगा, अच्छा सैलरी मिलेगा सबको। एंड जो लोग शारजा में हैं तो उनका 3 दिन का छुट्टी कर दिया है गाइस, फ्राइडे सैटरडे संडे, तीनों दिनों अभी ऑफ मिलेगा। तीनों दिन है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसका 3 दिन अभी ऑफ रहेगा। एंड जो बंदे दुबई और अबू धाबी में हैं उधर है, फ्राइडे को 12 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा, या तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, वो भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपका छुट्टी है सैटरडे संडे, फिर मंडे को सीधा स्टार्ट है। अभी से इस साल से, नया साल से चालू हो गया है सब रूल। एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। और बस आज का वीडियो में इतना ही है, एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप सेफली रहें, कोविड अभी फैल रहा है, एंड अभी शायद रूल में काफ़ी चेंजेस किया है, तो पता नहीं अभी 14 दिन के बाद कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, नेसेसरी है ये कुछ आइडिया नहीं है, बट अभी शायद इधर 14 दिन तक वैलिड रहता है PCR का। मेरे को कुछ आइडिया नहीं, थोड़ा पढ़ लेना इस हिसाब से। मैं क्या बोलते हैं, बाकी वैक्सीनेशन अपना फुल रखो गाइस, क्योंकि आप दुबई में आ रहे थे तो थोड़ा स्ट्रिक्ट है काम। अब वैक्सीनेशन दोनों तीनों जो भी बूस्टर सब लगा के अपना रखो, क्योंकि कभी भी कुछ भी है, आपको कोई ऑफिस में भी बोल सकता है या कुछ भी कोई बोल सकता है। एक अल होसन ऐप आता है, अल होसन ALHOSN कुछ ऐसा ऐप है, वो डाउनलोड कर लेना। उसमें जब भी आपका ईमेल साइड जाता है तो वो उसके सारा, उसकी वैक्सीनेशन कौन सा लगाया क्या है। अगर अगर आप इंडिया से लगा के आए हो तो शायद आप अपने उसका प्रूफ अपने साथ रखो, वो भी आपको लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अभी वैसे शायद बाद में क्या पता फाइन भी पड़ना चालू हो जाए, या फाइन पड़ रहा हो अगर किसी ने नहीं लगाया गया है, क्योंकि ओमिक्रॉन को हम लोग इसी तरह से रोक सकते हैं अगर सब बंदे वैक्सीनेटेड होंगे, एंड कम कर सकते हैं। आपको भी पता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, तो आप थोड़ा देखो इसको, थोड़ा ख्याल करो। एंड खुशखबरी बस यही है, इस साल देखो कितना सैलरी मिलता है, किसको क्या मिलता है। एंड बस आज का बोस्ट इतना ही है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बोस। एंड जो लोग दुबई और अबू धाबी उधर तो अच्छा पैकेज मिलता है। एक मैं आपको बात बता देता हूँ, जो शारजा है, शारजा में आपको थोड़ा सैलरी कम मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू दुबई एंड अबू धाबी। सबसे हाईएस्ट पैकेज आपको अबू धाबी में मिलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अबू धाबी बहुत हाई फाई सिटी है, उसके बाद दुबई का नंबर है। तो आपको जिधर भी आप अप्लाई कर रहे हो, आपको आई होप कि अगर आप दुबई में तो दुबई में मिनिमम बंदे का 2000-2500 तक होता ही है। और अगर आप ट्रांस गार्ड में बोलते कंपनी में, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड में मिल गया है, वो वीज़ा मिल गया है जैसा है, वो तो सही बात है, तो थोड़ा फ्रॉड से बचना गाइस। एंड दुबई में आपका मिनिमम 300-400 तक आराम से खाने का भी आ जाएगा, 400 भी ऊपर चला जाए, क्योंकि महंगाई सैलरी के हिसाब से चीज़ें हैं उधर। और बाकी तो आपको सब आके पता चल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय योर लाइफ। जय हिंद भारत।